चैनल शेयर विद किया है। तो आज मैंने जो ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, ये बहुत ही एक सिंपल मेकअप है जो कोई भी क्रिएट कर सकता है, और ये झुमका मैंने देके इसे और भी गॉर्जियस किया है। तो ऐसे अगर इसी मेकअप के साथ इस तरह का आप झुमका वेयर करें तो ये मेकअप लुक बहुत गॉर्जियस हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है ये वाला मेकअप लुक। तो ये मेकअप लुक मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे किया, अगर आपको देखना है, जानना है, तो मेरे वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वाला वीडियो अगर आपको देख कर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया, तो स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं अपने स्किन को मॉइस्चराइज़र करूँगी मेकअप करने से पहले। तो मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का क्रीम लिया है, विट जिम वाला, जो बहुत ही हाइड्रेट कर देता है स्किन को अच्छे से। तो अभी इसे अच्छे से मसाज कर लेते हैं अपने स्किन पे। देखिए कितना अच्छा ग्लो आ गया है लगाते ही अच्छे से स्किन में। अभी मैं इनसाइड का प्राइमर ले रही हूँ, ये वाला प्राइमर जो एक बहुत ही अच्छा प्राइमर है आपके स्किन को, स्किन में जो जहाँ भी आपका ओपन पोर्स है या फिर अनइवन स्किन टोन या फाइन लाइंस, सब कुछ ये ब्लर कर देता है अच्छे से, और लगता नहीं है कि आपका स्किन में कोई भी ओपन पोर्स है या कुछ, इसे फिल अप कर देता है। और फाउंडेशन लगाने से स्किन भी बहुत स्मूथ लगता है, और फाउंडेशन भी बहुत अच्छा अच्छे से ग्लाइड हो जाता है अपने स्किन में। तो अभी मैं यहाँ पे फिट मी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन है, लगाते ही अच्छे से स्किन में अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाता है, इसीलिए मुझे ये वाला फाउंडेशन बहुत अच्छा लगता है मेबेलिन का, ये बेस्ट फाउंडेशन है मैं बोल सकती हूँ। तो अच्छे तरह से इसे डैब डैब करके मैंने अपने स्किन में कर दिया, और मैंने अपने नेक पे भी लगा दिया, क्योंकि फेस ज़्यादा वाइटिश लगेगा और नेक काला लगेगा, मेकअप में एकदम अच्छा नहीं लगता वो, तो मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड कर दिया अभी। फिर मैं ये ओलिविया का पेन स्टिक अपने आई में लगाऊंगी, आई के लिड में नीचे भी लगाऊंगी, एज ए कंसीलर यूज़ करूंगी मैं इसे। ये भी अफोर्डेबल में बहुत ही अच्छा एक कंसीलर कम फाउंडेशन स्टिक है, इसे आप एज ए फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए कंसीलर भी यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छे से आपका जो आई में जो भी कालापन है या कुछ भी, ये अच्छे से इसे हाइड कर देता है। तो बस इतना ही लिया मैंने, और हाथों की मदद से थोड़ा मैं इसे डैप कर रही हूँ, फिर मैं स्पॉन्ज की मदद से इसे ब्लेंड कर दूंगी, इसे हाथों से ही अच्छा होता है। तो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया जैसे आप देख रहे हैं। अभी मैं इसमें कॉम्पैक्ट या कोई भी लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी इसे सेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना बनाना पाउडर दे रही हूँ, यहाँ पे मार्स का एक लूज़ पाउडर, जो बहुत ही अच्छा एक पाउडर है। तो मैंने अच्छे से इसे लगा के सेट कर दिया अपने फाउंडेशन कंसीलर को, थोड़ा सा नेक में भी दे दिया मैंने। फिर मैं ये इस तरफ का एक तरह का एक ब्रश लेके अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, ये वाला, ये हल्का वाला ब्राउनिश शेड लेके, ऐसे लेके मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर दूँ। तो ऐसे मैंने इसे फिल कर दिया, अभी मैं उस तरफ में फिल कर दे रही हूँ अच्छे से। आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का पैलेट से एक ये वाला शेड ले रही हूँ, जो मेरे कुर्ती के साथ मैचिंग कर रहा है, ये वाला शेड लेके, ये एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लेके एक्सेस को मैंने डस्ट कर दे रही हूँ यहाँ पे। फिर मैं यहाँ से इसे लगाऊंगी, स्टार्ट करके यहाँ तक लाऊंगी, हल्के हाथों से मैं कर रही हूँ जैसे देख रहे हैं आप। तो आज का आई मेकअप ज़्यादा मैं लाउड नहीं करूँगी, सिंपल में ही करूँगी। तो मैंने ये निका के पैलेट से ये वाला शिमरी शेड अपने आई के मिडिल में इसे अच्छी तरह से प्लेस कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। बस थोड़ा सा ही दे रही हूँ,
क्योंकि ज़्यादा दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ये आई मेकअप जो मैंने कलर यहाँ पे दिया है उसे स्मोक आउट किया है, वो अगर मैं शिमर देके ज़्यादा दे दूँ तो क्या फ़ायदा। तो थोड़ा सा ही मैं दे रही हूँ जस्ट स्पार्कल के लिए, एक अच्छे से जब मैं इसमें आईलाइनर लगाऊंगी तो इसमें अच्छा एक लुक आएगा इसीलिए। तो अभी मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ के लिए, मैं यहाँ पे एसेंस का आईलाइनर दे रही हूँ यहाँ पर। तो पहले मैं आईलाइनर अप्लाई कर दूँ, तो आईलाइनर मैंने लगा दिया है। मैं आईलाइनर हर वक्त ऑफ कैमरा ही लगाती हूँ कि मैं कैमरे के समय सामने अगर आईलाइनर लगाऊँ ना तो मेरा आईलाइनर अच्छा लगाना होता ही नहीं है, इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है, तो मैं ऑफ कैमरा ही करना पसंद करती हूँ। तो मैंने कर दिया ऑफ कैमरा, नहीं तो मैं नर्वस हो जाती हूँ। मैं यहाँ पे देखूँ या मिरर पे देखूँ मुझे ध्यान नहीं रहता और मेरा आईलाइनर ख़राब हो जाता है हर बार की तरह। तो मैंने ऑफ कैमरा कर दिया। अभी मैं कलर बार का काजल यूज़ कर रही हूँ अपने वाटर लाइन में देने के लिए। तो फिर से मिरर गुम हो गया, तो मिरर मेरा इधर उधर चला जाता है। तो अभी मैं अप्लाई कर लूँ अच्छे से, नहीं तो ये भी ख़राब हो जाएगा। अभी मैं वाटर लाइन के काजल को मैं ये वाले ब्रश से ये वाला कलर ले रही हूँ मैं निका के प्लेट से, इसे मैं स्मच कर रही हूँ। तो स्मच करने से क्या होगा, आई लुक स्मोक आउट लगेगा और अच्छा लगेगा दिखने में। ये जैसे रैंडमली काजल लगाया हुआ है अच्छा नहीं लग रहा है, इसे अगर स्मोक आउट कर दे थोड़ा सा इस तरह के ब्रश से तो ये अच्छा लगता है दिखने में। देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी। तो काजल को मैंने अच्छे से स्मोक आउट कर दिया है। अभी दिखने में जब भी आप मेकअप करें तो जो आप कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं या जो भी आप आउटफिट पहन रहे हैं उसी के साथ मैचिंग करके ही आप पहने, कुछ ज्वेलरी या फिर मेकअप जो कर रहे हैं उसी को मैचिंग करते ही हुए ही आप सब कुछ मेकअप करें तो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ब्लू कलर का आउटफिट पहनोगे और कोई रेड कलर का आई शेडो दे दिया तो ये कॉम्बिनेशन एकदम बुरा लगेगा। तो ब्लू साड़ी के साथ, ग्रीन साड़ी के साथ या ग्रीन आउटफिट या ब्लू आउटफिट के साथ आप आई शेडो भी उसी तरह मैचिंग के साथ ही लगाएं तो अच्छा लगता है मेकअप दिखने में। अभी मैं ये स्विस ब्यूटी के इस पैलेट से ये वाला ब्रॉन्जिंग वाला शेड लेके, इसे आप ब्रॉन्जिंग बोले या कंटूरिंग बोले जो भी बोले, मैं थोड़ा सा कर रही हूँ अपने शेप लाने के लिए मैं फेस पे। तो पूरा वाइट अगर लगे फेस तो उसमें कुछ अजीब सा लगता है थोड़ा सा शेप। अगर आप कंटूरिंग या ब्रॉन्जिंग थोड़ा सा कर ले तो फेस एक कट आता है और दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा नोज़ में भी कर रही हूँ मैं हल्के तो ब्रॉन्जिंग मैंने कर लिया। मेरा जो फेस है ना इसमें कॉन्टोरिंग या ब्रॉन्जिंग करने की उतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा फेस ऑलरेडी बहुत ही शेप में ही है, ज़्यादा चबी फेस नहीं है मेरा, गोल मटोल नहीं है, इसीलिए मैं कम ही करती हूँ ये सब। अभी ब्लश के लिए मैं उसी पैलेट से ही ये वाला शेड लेके अपने चीक पे थोड़ा सा ब्लश दे रही हूँ। ब्लश को आप डायरेक्ट ऐसे गालों में नहीं लगाएं, आप जब ब्लश लगाएं तो थोड़ा सा स्माइल वाला फेस करके ऐसे इस तरफ ले आए आप, इस तरफ तो अच्छा लगता है दिखने में। नहीं तो आप यहाँ पर लगा दोगे तो वो अजीब लगेगा, लगता है किसी ने आपको घुसा मार दिया है। तो ऐसे मैंने लगा लिया, अभी दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कुछ भी कम ज़्यादा हो जाए तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ज़्यादा हो जाए तो आप ये ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ऐसे करके उसे कम भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो गया तो आप इसे ऐसे मैनेज कर सकते हैं और अगर कम हुआ तो आप लगा सकते हैं ऐसे। अभी हाइलाइटर के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड के पैलेट से ये वाला लेके अपने नोज़ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ।
थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा चीक्स पे हाईलाइट हो गया है फेस, और ये बहुत ही अच्छा एक पिगमेंटेड हाईलाइटेड है हाईलाइटर है जो मैं लगाना बहुत ही पसंद करती हूँ। तो मैंने इस कुर्ती के साथ ये वाला इयररिंग पहन लिया है, ये वाला झुमका जो इसके साथ मैच कर रहा है तो मैंने पहन लिया। तो अभी मैं बालों को थोड़ा सा खोल दूँगी, बालों को खोलने से ही ये वाला जो मेकअप लुक है अच्छा लगेगा, कुछ इस तरह। तो ऐसे इयररिंग के साथ आप अगर बालों को बांधोगे ना टाइट करके तो अच्छा नहीं लगेगा, बाल खुले रख के ही ये वाला मेकअप लुक अच्छा लगता है दिखने में। तो मैंने बालों को खोल दिया ऐसे। तो अभी मैं ये वाला ब्लू हेवन का पाउडर मैट लिपस्टिक ले रही हूँ, ये शेड है फ्लेमिंग रेड, ये वाला रेड फ्लेमिंग रेड कलर लेके मैं अपने लिप्स पे दे रही हूँ। मुझे लगता है ये वाला बहुत अच्छा मैचिंग करेगा इस वाले मेकअप लुक के साथ। तो पहले मैंने ये एक न्यूड वाला शेड दिया था, तो वो न्यूड वाला शेड उतना उभर के नहीं आ रहा था अच्छे से, तो मैं उसके ऊपर ही मैं ये रेड वाला शेड अप्लाई कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो अभी मैं सेटिंग स्प्रे के लिए दे रही हूँ ये वाला सेटिंग स्प्रे इनसाइड का सेटिंग स्प्रे दे रही हूँ, शेक कर रही हूँ। तो सेटिंग स्प्रे मेरा देना हो गया, देखिए कितना अच्छा ग्लो दे रहा है। ये सेटिंग स्प्रे अफोर्डेबल में बहुत ही अच्छा एक ये है। मैं तो बोलूँगी आप ये इनसाइड का सेटिंग स्प्रे खरीदना ज़रूर, बहुत ही अच्छा है और इतना अच्छा ग्लो आता है लगाते ही। देखिए मैंने लगाया इंस्टेंट कितना अच्छा ग्लो चलाया है फेस पे, और ये मेकअप को भी आप सेट कर देता है। कभी भी कुछ ज़्यादा हो जाए तो ये मेकअप सेटिंग स्प्रे लगा दीजिए, सब कुछ सेट हो जाता है। तो अभी मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, मैं भूल जाती हूँ लगाना, देख रहे हैं मैं मस्कारा आज भी भूल रही थी। तो मस्कारा के लिए मैंने ये कलोसल काजल का मेबलिन का ले रही हूँ। तो मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है जैसे आप देख रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वाला मेकअप लुक। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इस झुमके बड़े बड़े झुमके के साथ अगर आप ये सिंपल वाला मेकअप लुक करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर क्या होता है कभी जल्दी जल्दी में हम गॉर्जियस मेकअप करना आई लुक करना बहुत परेशानी हो जाती है जल्दी में, तो आप अगर आपके हाथ में ज़्यादा वक्त नहीं है तो आप ऐसा मेकअप लुक करके आई मेकअप करके ऐसे बड़े बड़े झुमके पहन के अगर ये मेकअप लुक कर ले तो बहुत ही गॉर्जियस दिखेगा। और आप बाल खोल के या कोई बालों को बांध के भी आप ये मेकअप लुक कर सकते हैं। मैंने जैसे मुझे अच्छा लगता है बाल खोल के ही ज़्यादातर मेकअप लुक करना, तो मैंने बाल यहाँ पे खोले हैं, आप चाहे तो बाल बांध भी सकते हैं। तो मेरा मेकअप लुक अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।